हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शायर फिर से आ चुका हूं नया रिएक्शन वीडियो लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। गाने का नाम होने वाला है बिगड़िया हीरा, तो सुनते हैं गाने को और गाना कैसा होएगा। हनी 3.0 का ये लास्ट ट्रैक होने वाला है, तो सुनते हैं कैसा होएगा। बाकी हनी सिंह की EP भी आ रही है, हनी पाजी बहुत कमाल के ट्रैक लाने वाले हैं और इसको भी सुनते हैं। डीट कुले कुले और देसी कलाकार 2 था जो उनका, तो वो 3 गाने मेरे को बहुत गजब के लगे थे और देखते कि ये वाला गाना भी कैसा होने वाला है। और ट्रेंडिंग 1 पर अभी ये चल रहा है, मैं अब इसको मतलब आज देख रहा हूँ, मतलब आज इसको सुन रहा हूँ गाने को। 15 मार्च को ये आया था, हनी पाजी का बर्थडे था, तो थोड़ा लेट हो गया हूँ यार मैं, थोड़ी मेरे घर के काम थे तो उसकी वजह से। म्यूज़िक प्रोडक्शन इसके अंदर हनी पाजी का होने वाला है, ठीक है। रोनी और गिल के इसमें कंपोजिशन और लिरिक्स होंगे और जय मित का इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग होने वाला है। तो देखते गाने को सुनते हो और फील लेते यार, वाइब लेते गाने की कैसा होएगा ये गाना। बाकी तो उर्वशी रोटेला है साथ में हनी पाजी के फीचर करी हुआ है, तो देखते यार बजट अच्छा खासी गया होगा गाने का। तो बाकी सुनते और गाने को देखते कि कैसा होने वाला है। भाई, isn't she your ex? What is she doing with that old model? देनी पैनी है नू, love dose एक बारी फिर। विगड़िया ही रा नोट उड़ावन, मुंडे आनू पिछे लावन, पर किसे दे हाथ ना आवन, ना 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 लुटे एक चीज मैं बता देता हूँ, बीट नोट करके मेरे को थोड़ी ऐसी वाइब सी लग रही है, जो म्यूजिक का है ना थोड़ा फ्लेवर, फर्स्ट किस जैसा जो गाना बनाया था हनी पाजी ने, 2 साल हो गए लगभग उस गाने को आए हुए, तो वो गाना भी बहुत ज़्यादा कमाल का था, वैसी सी वाइब दे रहा है थोड़ी गाने की। तो मतलब जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी वैसी वाइब सी लग रही है मेरे को। बाकी कमाल है भाई गाना, अभी तक सुनने में मजा आ रहा है भाई। डुब गए लखां लखां विच मैं भी सी इक, हां हां जी हां। बिगड़िया हीरा नोट उड़ावन, मुंडिया नू पिछे लावन, पर किसे दे हाथ न आवन, ना 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 लुटे आशिक ठेके जावन, टुटिया दे दर्द मिटावन, यारा नाल महफिल लावन, हां Sassy girl, classy, classy girl, lead a palm with two fancy, fancy girl. Dunia to chori chori call ke to jori tenu kar che karon wala messy, messy girl. Undar bawangi karna vich, kaisi teri pyar di hai patlo ni khich. Ungla te dunia na chon wale nu, rol gayi kyun ni tu minta de vich. Hun pashtava kithe jaava, jila ja mar muk jaava, ya fir tenu mud ke chaava na, na na na. Vigdiya hi. Yeah.
जमाना भाई खत्म हो गया है भाई, टू भी कंटिन्यू, तो लव डोज 3 भी आएगा, मतलब इसका ये है। बाकी हम आते हैं गाने के ऊपर, ये गाना कैसा लगा। मैं आपको एक हनी सिंह फैन होने के बाद ये बात बोल सकता हूँ कि गाना बढ़िया था, लेकिन अगर मैं जेन्युइन रिव्यू करूँगा गाने का तो आप भी आउट ऑफ 10 मेरे को बताना आप इस गाने को कितना देना चाहोगे। लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से इसको एक चीज़ बताता हूँ कि आजकल है ना थोड़ा, मतलब यार हनी पाजी, मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ खास इतना अच्छा नहीं लगा गाना। बाकी बीट्स म्यूज़िक बहुत सही था, लिरिक्स थोड़े मेरे को ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं लगा। मैं जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ भाई, अगर आप हनी सिंह फ़ैन हो तो भाई मेरे को यहाँ पे सुनाना मत, आप खुद जाकर इस गाने को सुनो, और आपने भी सुना होगा, मैं रिएक्शन देखा होगा, पर मैं एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला बंदा हूँ, पूरा सपोर्ट करता हूँ मैं हनी पाजी को। हनी पाजी का बर्थडे भी था तो हैप्पी बर्थडे, और अगर मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे तो भाई डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं, जिससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम हनी पाजी के लव डोज उनसा गाना था, हमने एक बार सुना था वो, और वो सुनते के साथ में यूँ लगा था भाई 2000 बार 20,000 बार कितनी बार बजाया वो अंदाज़ा नहीं, जो वो लेवल था ना, एक्सपेक्टेशंस लेवल रहते हैं हनी पाजी साहब की, भाई फाड़ी होगा भाई गाना। लेकिन यार मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाकी मतलब अपना भी ओपिनियन दे देना, मैं रिएक्शन करने बैठा हूँ, मैं हर गाने को बढ़िया नहीं बता सकता भाई, मेरे को एक जेन्युइन रिव्यू देना है, सारी बातें साइड रख कर मेरे को बातें बोलनी पड़ेगी भाई। और भाई एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ कि भाई जो ढीठ था, कूले कूले था और कला स्टार था, ये तीन गाने भाई बहुत तगड़े थे, सुपर हिट ट्रैक थे। मेरे को इससे गाने से भी उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बट नहीं है तो फिर अब यार चलो कोई बात नहीं। बाकी हनी पाजी की ईपी आने वाली है तो ईपी में देखते कि क्या धमाल मचाएंगे या नहीं मचाएंगे भाई, वो देखते हैं। बाकी बादशाह ने जो उनसा अपना एल्बम का काम कराया जो आने वाली है 18 मार्च को, वो बहुत कमाल की होने वाली है, उसका रिव्यू लेकर आऊँगा। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहो और अपने रिव्यूज़ मेरे वीडियोज़ को लेकर जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर और हर हर महादेव सभी को।